बैक टू माई चैनल। आज से हम इस चैनल पर एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फॉरेंसिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो मैटर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है यूट्यूब पे, अवेलेबल तो है बट इतना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे हम फॉरेंसिक साइंस पढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस का पूरा जितना भी सिलेबस है बीएससी का, एमएससी का, उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ये पार्ट वन है, हम तीन पार्ट में इसको कम्प्लीट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही वह नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। वीडियो को हम तीन पार्ट में कवर करेंगे। हिस्ट्री जो है वो थोड़ी ज़्यादा है तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक जनरल हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे हुई थी, फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इंडिया में फॉरेंसिक साइंस का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। तो हम तीन पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे, इस वाले हिस्ट्री वाले पार्ट को फॉरेंसिक साइंस की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉरेंसिक साइंस होती क्या है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना है कि व्हाट इज फॉरेंसिक साइंस। सो फॉरेंसिक साइंस मीन्स द साइंस विच इज यूज इन कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, मतलब कि वो साइंस जिसे हम जस्टिस के लिए यूज करते हैं उसे हम फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। ठीक है, नाउ इन सिंपल वर्ड्स, फॉरेंसिक साइंस इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रिंसिपल टू क्वेश्चंस ऑफ लॉ। फॉरेंसिक साइंस का यूज हम हमेशा जस्टिस के लिए यूज करते हैं, लॉ में फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए कभी कभी फॉरेंसिक साइंस को क्रिमिनलिस्टिक्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए कि अब हिस्ट्री और डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। तो हिस्ट्री और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो फॉरेंसिक साइंस एज अ पार्ट ऑफ अ मॉडर्न डे क्रिमिनल सिस्टम, हम जब मॉडर्न डे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेंसिक साइंस एंशियंट सिविलाइजेशन से चलती आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम अभी नया नया आया है, पुराने ज़माने से, ठीक है, कई वर्ष पहले एंशियंट सिविलाइजेशन से फॉरेंसिक साइंस जो है वो चलती आ रही है। अर्लीस्ट एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंस की देखी गई थी एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सोसाइटीज में। अब आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना पुराना है फॉरेंसिक साइंस, एंशियंट ग्रीक एंड रोमन सोसाइटीज में सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस को देखा गया था। डू सिविलाइजेशंस मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन स्पेशलिस्ट फार्माकोलॉजी, देयर इज अ सर्च ऑन द प्रोडक्शन यूज एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिंस मेड द स्टडी ऑफ देयर यूज एंड फास्ट मर्डर्स पॉसिबल। यहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे क्या करा था, कुछ फार्माकोलॉजी में उन्होंने इस चीज़ का फॉरेंसिक का यूज़ करा था, वहाँ पे प्रोडक्शन यूज और सिम्टम्स बताए थे कुछ टॉक्सिंस के। ठीक है, ग्रीक टाइम में, ग्रीक एंड रोमन सोसाइटीज के टाइम पे वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोडक्शन यूज सिम्टम्स बताए थे कुछ टॉक्सिंस के, उनकी स्टडी करी थी और फिर बताया था कि इन टॉक्सिंस को देने से मर्डर कैसे हो सकता है। तो ये बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, सबसे पहले स्टार्टिंग हम इसे ही बोल सकते हैं। इसके बाद में हम हिस्ट्री ऑफ ऑटोप्सी, ऑटोप्सी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉर्डेड ऑटोप्सी वॉज परफॉर्म्ड बैक इन 44 BC। इतने समय पहले 44 BC में सबसे पहले ऑफिशियल ऑटोप्सी की गई थी। एक रोमन फिजिशियन थे एंटिस्टियस, उन्होंने एग्जामिन करी थी, एक स्लेन बॉडी थी, रोमन पॉलिटिशियन एंड जनरल जिनका नाम था जूलियस सीजर, आप यहाँ पे देख सकते हो, जूलियस सीजर की बॉडी को उन्होंने एग्जामिन करा था। उन्होंने सिर्फ एक वुंड था उनके चेस्ट पे, ठीक है, उनके चेस्ट पे एक वुंड था, उस चेस्ट पे से उन्होंने ये बताया था कि इन्हें 23 times स्टैब किया गया, मतलब 23 times उनके हार्ट में जो है मारा गया है और उसी से इनकी जो है मौत हुई है। तो ये पहली ऑटोप्सी देखी गई थी। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन अर्ली रोमन की बात करें तो डायनेस्टी इन द फर्स्ट सेंचुरी AD रोमन ऑरेटर एंड जूरिस्ट क्विंटिलियन यूज्ड बेसिक फॉरेंसिक टू एक्विस्ट एन इनोसेंट, उन्होंने कुछ बेसिक फॉरेंसिक का यूज करा था। द रोमन मॉडल फॉर्म्स अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे कोर्ट एंड लीगल सिस्टम। तो इन्होंने
ये जो है क्वांटिलियन, उन्होंने कुछ बेसिक फॉरेंसिक का यूज़ करके एक इनोसेंट को जो है बचाया था, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी की जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बुक थी द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, ये चाइना के सोंग ची थे, उन्होंने लिखी थी, सोंग ची जो थे इनके द्वारा लिखी गई थी। दिस इज़ द फर्स्ट रिटन टेस्टिमनी ऑफ यूज ऑफ मेडिसिन एंड एंटोमोलॉजी टू सॉल्व क्राइम, ये ऐसी पहली किताब है जिसमें मेडिसिन का यूज़ और एंटोमोलॉजी का यूज़ कैसे करना है क्राइम्स को सॉल्व करने में, वो इन्होंने यहाँ पे दिया था। दिस बुक इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट अवेलेबल लिटरेचर टू हेल्प डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, सबसे पुरानी किताब है जो कॉज ऑफ डेथ बताती है, ठीक है। द बुक एक्सप्लेन्ड हाउ टू डिस्टिंग्विश एक्सीडेंटल डेथ फ्रॉम अ मर्डर, एक एक्सीडेंटल डेथ और एक मर्डर में कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, वेपन जो है उसको कैसे आप एग्जामिन करोगे और कॉज ऑफ डेथ आप कैसे बताओगे, ये चीज़ उन्होंने आप सोच सकते हो 13th century में बता दी थी, ठीक है। तो इनकी जो बुक थी द वॉशिंग अवे ऑफ रॉन्ग्स, इसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी कि आपको एक एक्सीडेंटल डेथ, मतलब एक्सीडेंटल मतलब कि किसी और रीज़न से गलती से मौत हो जाना, ठीक है, एक्सीडेंटल तरीके से, और एक मर्डर, ठीक है, जानबूझकर मारा गया हो, उसमें आप डिफरेंस कैसे पता करोगे, तो ये उन्होंने इस किताब में बताया था, ठीक है। वेपन्स का एग्जामिनेशन कैसे करना है और जो डेथ कॉज करने में यूज हुए हैं, तो ये इनकी किताब में था। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्ली मेथड्स ऑफ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन यूज्ड बाय अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ऐसी कौन सी अर्ली मेथड्स हैं जो यूज़ करी गई थी कुछ पुराने जितने भी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके द्वारा। सो वन ऑफ सोंग चीज अकाउंट इन हिज बुक, इन्हीं की एक बुक है जो मैंने अभी आपको बताई, उसी में उन्होंने बात करी है बेसिक मेथड यूज टू क्रैक अ मर्डर केस, बेसिक मेथड्स बताई है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, वेरियस ब्लेड्स इन्होंने क्या करा, फर्स्ट द इन्वेस्टिगेटर टेस्टेड वेरियस ब्लेड्स ऑन एन एनिमल कारकेस एंड कंपेयर द वुड टू अ एक्चुअल वन, उन्होंने जो ब्लेड्स होती है, ठीक है, तो अब भाई एनिमल के उस पर उन्होंने टेस्ट करा और उस एनिमल पे जो वुंड है उसको देखा, साथ ही में उसी चीज़ को उन्होंने लकड़ी पे, ठीक है, लकड़ी पे उसको देखा, दोनों को कंपेयर करा, ठीक है, दोनों को उन्होंने कंपेयर करा और फिर एक्चुअल वन जो वुंड हुआ है उसको देखा, और दिस हेल्ड हिम द न्यूज़ दैट द वेपन यूज टू कमिट अ मर्डर वॉज अ सिकल, तो इससे उन्हें ये पता चला कि भाई जो मारा गया है व्यक्ति उसको सिकल से मारा गया है, ठीक है। द बुक ऑल्सो प्रोवाइडेड मेथड्स एंड लॉजिक टू एस्टिमेट इफ अ डेथ रिजल्टेड फ्रॉम सुसाइड एक्सीडेंट और मर्डर, ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने यही बताया था कि सुसाइड है एक्सीडेंट है या मर्डर है, वो भी इस बुक में उन्होंने बताया था। इसके बाद में एक और बहुत ही अजीबो गरीब सी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे हिस्ट्री जो पता चलेगी सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, पर हाँ ये ऐसा होता था दैट यहाँ पे अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ लाइट डिटेक्टर फॉर पॉलीग्राफ टेस्ट बाय फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, लाइट डिटेक्टर भाई झूठ बोलेगा अगर कोई व्यक्ति तो उसको कैसे हम पता करेंगे, तो अभी तो हमारे पास में मशीन्स हैं, लाइट डिटेक्टर हम उससे पता कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होता था। सो द अर्लीस्ट प्रिकर्सर टू द पॉलीग्राफ टेस्ट वॉज एग्जामिनेशन ऑफ द सलाइवा माउथ एंड टंग ऑफ अ सस्पेक्ट टू डिड्यूस इनोसेंस और गिल्ट, ठीक है, अब यहाँ पे सलाइवा माउथ और टंग का एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया में क्या होता था, सस्पेक्ट के माउथ में ड्राई राइस डाल देते थे, ठीक है, राइस कच्चा चावल जो है वो डाल दिया जाता था, वहीं अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पर राइस पाउडर डाल देते थे, ठीक है, जो चावल का आटा होता है उसको डाल देते थे, देन एडिड टू स्पिट इट आउट, फिर भाई उन्हें स्पिट करना पड़ता था उसको। अब कुछ मिडिल ईस्टर्न कल्चर में द अक्यूज्ड वुड हैव टू लिक हीट मेटल रॉड, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में क्या होता था, जो रॉड होती है ना अक्यूज्ड, अगर पता चला कि भाई ये अक्यूज्ड है तो उसको गर्म लोहे की जो रॉड होती थी उसको लिक करना पड़ता था। तो इस मेथड के पीछे, ये जो राइस वाली मेथड है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था, प्रिंसिपल यूज्ड फॉर दीज मेथड वॉज दैट अ गिल्टी पर्सन वुड प्रोड्यूस लेस सलाइवा, जो पर्सन गिल्टी है वो लेस सलाइवा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दस अगर राइस माउथ में या उनके टंग में स्टिक हो जाता है, ठीक है, और अगर जब वो रॉड को वो करते हैं ना, लिक करते हैं,
और उनकी टंग जल जाती है तो समझ में आ जाता है कि भाई यही मुजरिम है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे की जाती थी। एक वो राइस वाली मेथड हो गई, एक ये लोहे वाली कि गरम लोहे को लिक करना पड़ता था। इन दोनों मेथड से ये पता किया जाता था। तो यहाँ पे ये कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सी हिस्ट्री की हमने बात कर ली। तो यही था, इतना ये पार्ट वन था। हम इसको थोड़ा छोटा रखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे किसकी, वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना पूछा नहीं जाता है, पर आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो ये बेसिक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि एंशियंट टाइम में भी फोरेंसिक का कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता था। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं उसका PDF वहीं पर शेयर आपको कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।